इस मॉड्यूल में हम फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में डिस्कस करेंगे सार्कोमेस्टिगोफोरा आमतौर पर इसकी एटीन थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा का मतलब क्या है ग्रीक वर्ड है सार्को का मतलब है फ्रेश और मेस्टिगो का मतलब है वाइप फोरस का मतलब है बियर लार्जेस्ट प्रोटोजोन्स का वो ग्रुप जिसके अंदर एनिमल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं इसके अंदर एनिमल्स यूनिसेलुलर या कॉलोनियल शक्ल में नज़र आएंगे लोकोमोशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनालिज फ्लैजैला सूडोपोडिया या दोनों भी मौजूद हो सकती हैं ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब है सेल्फ नॉरिशिंग सेप्रोफेटिक सेप्रोजोइक सेप्रोजोइक का मतलब है कि ये एनिमल्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहना पसंद करेंगे तो इनके अंदर दोनों तरह के मोड ऑफ़ लिविंग है ऑटोट्रॉफिक भी और सेप्रोजोइक भी इसके अंदर सिंगल टाइप का भी न्यूक्लियस हो सकता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली इनमें अंदर टेक्स प्लेस होगी सब फाइलम मेस्टिगोफोरा इसके जो मेंबर्स हैं दे नॉर्मली हैव फ्लेजेला एंड मूव विद द हेल्प ऑफ दिस फ्ले फ्लेजैलम एंड दिस मोड ऑफ लोकोमोशन इज कार्ड फ्लेजेलरी लोकोमोशन फ्लेजैला जो है दे आर नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स एंड दे लाइक मूवमेंट हैं हेलिकल मूवमेंट्स हैं ये नॉर्मली प्रोटोजोन्स को या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे और जहाँ पर भी प्रोटोजोन्स होंगे फ्लेजैलम होगा तो इनके रहने के लिए हैबिटेट जो होगा दैट इज़ नॉर्मली एक्वेटिक क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा इस क्लास के मेंबर्स जो हैं दे विल हैव क्लोरोफिल एज वेल एज़ टू फ्लेजला फाइटोमेस्टिगोफोर जो हैं ये फूड वेब के अंदर मेरीन एनवायरनमेंट में फूड प्रोड्यूस करने में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है अब सेवरल जनरा जो है जैसे जिम्नोडीनियम रिप्रेजेंटेटिव हैं ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करेंगे जो पानी के अंदर मेरीन लाइफ में आपको अंदर डिफरेंट बलूम्स जो नज़र आते हैं रेड टाइड्स जो नज़र आते हैं उसके रिज़ल्ट जो है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइटोमेस्टिगोफोरस अब ह्यूमन्स जो हैं नॉर्मली इन टॉक्सिक की एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से ह्यूमन बींग्स या फिश जो खाएंगे या जो मोलस खाएंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है उनके लिए ये फ़ाइटोमेस्टिगोफोरस एक डेड टॉक्सिन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। ये है युगलिना एंड युगलीना इज एन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सार्कोमेस्टिगोफोरा युगीना की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं यहाँ पे आप देखें सबसे जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है वो है इसका फ्लजैलम फ्लेजालम इज दिस हेल्प्स इन लोकोमोशन और फ्लेजैलम इसका शॉर्ट भी है और दूसरा भी है साइटोस्टोम्स हैं स्टिक है अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखें एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म पहली कल इसमें आउटर लेयर है क्लोरोप्लास्ट इज क्वाइट ऑब्वियस फिर पैरामीशियम के अंदर डिफरेंट ग्रैन्यूल्स हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं एक्सेसरी कंट्रेकटाइल वैक्यूल्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड तो युगलिना को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आ इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा इसके डिफरेंट ऑर्गेन्स और उनके फंक्शन से ही आप इसके बॉडी मेम्बर्स का भी आइडिया कर सकते हैं वॉल जो है फ्लेजैलम इसके अंदर भी मौजूद है लेकिन चूँकि ये कॉलोनीज़ की शक्ल में रहेंगे इसलिए इनको हम कहेंगे कॉलोनील फ्लैजिलेट्स और कॉलोनी के अंदर 50,000 सेल्स तक जो हैं एनिमल्स मौजूद एक सेल के अंदर 50,000 सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं और इंडिविजुअल सेल्स वही दो फ्लेजैला होगा और ये क्योंकि सेल्स अपने आप को एक बॉल ऑफ सेल्स के शक्ल में भी अरेंज कर सकते कुछ स्पीशीज़ जो हैं इनकी हैं डायोशियस डायोशियस का मतलब है कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा यानी सेपरेट सेक्सेस जो हैं वो मौजूद होंगी जबकि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो मोनोशियस हैं मोनोशियस का मतलब है दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होंगे ऑटम के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं मैक्रोगिट्स में और माइक्रोगिट्स में माइक्रोगिट्स लार्ज होंगे और माइक्रोगिट्स स्मॉल होंगे मियोसिस होगी मियोसिस के रिजल्ट के बाद जो है कॉलोनीज के अंदर सेल्स बनेंगे फिर माइटोसिस होगी माइटोसिस माओसिस दोनों का प्रोसेस जारी रहेगा माओसिस से माइटोसिस uh, सेल्स का नंबर इंक्रीज करेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस म्योटिक सेल्स प्रोडक्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे वो बनेंगे फिर है क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा के जो मेंबर्स हैं इस क्लास के अंदर उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो हेटरोट्रॉफिक होंगे जब क्लोरोफिल होगा तो वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होंगे कुछ मेंबर्स जो हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर इम्पोर्टेंट पैरासाइट्स हैं इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्राईपेनोसोमा दिस इज ट्राई पेनोसोमा गैम्बियंस ट्राईपेनोसोमा में आप देखें पैलिकल फ्री फ्लेजैलम है एक्टोप्लाजम एंडोप्लाजम इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन न्यूक्लियस लेकिन ये क्या हैं ट्राईपेसोम्स दे आर पैरासाइट्स एंड मोस्टली दे लिव इन साइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इस स्पीशीज़ की आगे भी डिफरेंट सब स्पीशीज़ हैं लेकिन इसके अंदर फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स के अलावा नॉन ह्यूमन बींग्स यानी अफ्रीकन मैमल्स के अंदर भी ये पैरासाइट्स बहुत ओबियस है और जो इनसे डिजीज़ होगी उसको हम कहेंगे स्लीपिंग सिकनेस अनदर जो इस पैरासाइट है वो है टी एस सी टी फ्लाइज ये फ्लाइज जो हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट हैं और वेक्टर्स हैं डिफरेंट सब स्पीशीज़ का जब टी एस सी फ्लाई जो है ये बाइट करती है टू एन इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग या मैमल को तो वहाँ से अपने ब्लड उनके ब्लड से ये पैरासाइट ले लेगी और फिर उसको ट्रांसफ़र करेगी और जो है नॉर्मली ये इसके स्लाइवरी ग्रैंड्स में वो रहेंगे और जब ये नेक्स्ट फिर किसी को बाइट करेगी तो थ्रू इट्स ग्लैंड ये उस पैरासाइट को ट्रांसफ़र कर देते ये फ्लाई जो है नॉर्मली 15 से 35 डेज में इसकी नंबर ऑफ बॉडी फॉर्म्स में इसकी लाइफ साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जो इन्फेक्टेड फ्लाइज जो हैं वो वर्टिब्रेट को होस्ट को जब स्लाइबरी सिक्रीशंस के थ्रू बाइट करेंगी तो उससे इन्फेक्शन और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ uh, जो हैं वो अकर हो सकती हैं और इन डिजीज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दैट कैन आल्सो बी इफेक्टेड और एंड रिजल्ट क्या होगा Lack of coordination in the body of animal.